तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। तुम वो हो जिन्हें समंदर खा जाते हैं, हम वो हैं बरखुद्दार जो समंदर पी जाते हैं। ये दमदार डायलॉग और मेरे साथ लगी इन तस्वीरों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस सितारे के सफरनामे के बारे में बात करने वाले हैं। यूं तो हिंदी सिनेमा जगत में अपने दमदार अभिनय से कई सितारों ने दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया, लेकिन उनमें एक सितारा ऐसा भी रहा जिसे सिर्फ दर्शकों ने ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने राजकुमार माना था, और वो थे डायलॉग डिलीवरी के बेताज बादशाह कुलभूषण पंडित यानी राजकुमार, जो कहते थे, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड लेजेंड्स सितारों का सफरनामा। मैं हूं आपके साथ मुक्ता सिंह। एक वक्त पर फिल्मी दुनिया के सितारे के रूप में चमकने वाले फिल्म अभिनेता राजकुमार की एक्टिंग स्टाइल, उनके सफेद जूते और उनके दमदार डायलॉग्स हर ओर चर्चा का विषय बने रहते थे। राजकुमार उर्फ कुलभूषण पंडित का जन्म 8 अक्टूबर 1926 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुआ था। वहीं पर अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद बम्बई आ गए वो और माहिम थाने में सब इंस्पेक्टर के रूप में काम करने लगे। एक दिन रात में गश्त के दौरान एक सिपाही ने उनसे ऐसी बात कही जो उनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उस सिपाही ने कुलभूषण पंडित से कहा था, हुजूर, आप रंग ढंग और कद काठी में किसी हीरो से कम नहीं लगते, आप फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करते? अगर आप हीरो बन गए तो लोगों के दिलों पर राज करेंगे। बस यही बात कुलभूषण पंडित को जच गई। वो बंबई के जिस थाने में ड्यूटी करते थे वहीं फिल्म जगत के कई बड़ी हस्तियों का आना जाना लगा रहता था। और ऐसे ही अचानक एक दिन माहिम थाने में फिल्म निर्माता बलदेव दुबे किसी जरूरी काम से आए तो इंस्पेक्टर साहब का रोबीला अंदाज देखकर काफी इंप्रेस हुए। उन्होंने झट कुलभूषण पंडित को अपनी फिल्म शाही बाजार में हीरो का रोल ऑफर कर दिया। अब राजकुमार को उस सिपाही की बात याद आई जिसने उनकी पर्सनालिटी हीरो वाली बताई थी। बस फिर क्या था, उन्होंने तुरंत ही सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और बलदेव दुबे की ऑफर एक्सेप्ट कर ली, नाम रख लिया राजकुमार। अब क्योंकि फिल्म को बनने में वक्त लग रहा था और पुलिस की नौकरी साहब पहले ही छोड़ चुके थे, लिहाजा अब खाने पीने के भी लाले होने लगे थे। बिगड़ते आर्थिक हालात को देखते हुए उन्होंने साल 1952 में फिल्म रंगीली में एक छोटा सा रोल किया जिससे कुछ वक्त तक खाने पीने का इंतजाम हो गया, लेकिन ये फिल्म कब आई और कब गई इसका पता ही नहीं चला। इसी बीच उनकी फिल्म शाही बाजार भी रिलीज हुई और फ्लॉप भी हो गई। फिल्म पिटी तो नाते रिश्तेदारों को उंगली उठाने का मौका मिल गया। कुछ लोग कहने लगे, तुम्हारा चेहरा हीरो वाला है ही नहीं, तुम विलेन बन जाओ। अब राजकुमार साहब को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्या करें, कहां जाएं, पुलिस की नौकरी भी छोड़ चुके थे। इस बीच उन्हें जो भी छोटे मोटे किरदार मिले वो निभाते चले गए। संघर्ष के उन दिनों में राजकुमार ने करीब 5 से 6 फिल्मों में काम किया लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। उनका वक्त बदला साल 1957 में आई महबूब खान की मेगा स्टारर फिल्म मदर इंडिया के बाद। इस फिल्म में उनके सामने नरगिस, सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार जैसे बड़े सितारे थे, फिर भी दर्शकों को छोटे से किसान की भूमिका निभाने वाले राजकुमार काफी पसंद आए। फिल्म में दमदार किरदार के लिए उन्हें विदेशों में भी पहचाना जाने लगा। इस फिल्म की सफलता ने राजकुमार को सफल अभिनेताओं की फहरिस्त में लाकर खड़ा कर दिया था। इसके बाद एक और बड़ी फिल्म पैगाम उनके हाथ लगी जिसमें उन्होंने ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार के बड़े भाई का किरदार निभाया, और क्या जबरदस्त निभाया। फिल्म में जितना दिलीप साहब के काम को पसंद किया गया उतना ही राजकुमार को भी वाहवाही मिली। इसके बाद दिल अपना, प्रीत पराई, घराना, दिल एक मंदिर जैसी फिल्मों में मिली कामयाबी ने उन्हें उस वक्त के टॉप स्टार्स में ला दिया था। अब वक्त राजकुमार का था और उसी वक्त आई फिल्म वक्त ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। उस फिल्म में उनका एक डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर ताजा है जिसमें वो कहते थे, चिनाय सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। उसी दौरान आई उनकी फिल्म काजल ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिल्म में ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी के साथ फिल्माया गया उनका गाना आज भी गुनगुनाया जाता है। गाने के बोल थे,
छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। फिल्म में दोनों की बेमिसाल केमिस्ट्री देखने को मिली थी। इसके बाद उन्होंने कामयाब फिल्मों की जैसे झड़ी सी लगा दी थी। हमराज, नीलकमल, मेरे हुजूर, हीर राजा और पाकीजा जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपनी अदायगी की अमिट छाप छोड़ी। कमाल अमरोही की फिल्म पाकीजा पूरी तरह से फिल्म की हीरोइन मीना कुमारी पर फोकस करके बनाई गई थी। इसके बावजूद राजकुमार ने अपने दमदार अभिनय के चलते दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसी तरह फिल्म हीर राजा के कुमार साहब पर फिल्माया गया एक गीत ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। रफी साहब की दर्द भरी आवाज और राजकुमार का रांझे का किरदार अमर हो गया। वो अपनी जिंदगी में जितने डिसिप्लिन इंसान थे उतने ही जिद्दी भी थे। उनकी जिद के एक नहीं बल्कि अनेक किस्से फिल्म जगत में मशहूर हुआ करते थे। वो कहते थे, हम उन बादशाहों में से हैं जिन पर किसी भी दौर का असर नहीं होता। इतना ही नहीं, अपने सामने खड़े बड़े से बड़े किरदार की हवा वो अपने डायलॉग से ही निकाल दिया करते थे। उनका ऐसा ही एक डायलॉग एक फिल्म में अमरीश पुरी के पसीने छुड़ा देता है, जिसमें वो कहते थे, राजस्थान में हमारी भी जमीनात है और तुम्हारी हैसियत के जमींदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते हैं। अब सोचिए, इतनी वजनी आवाज के साथ जब राजकुमार साहब कुछ कहेंगे तो कोई कैसे आगे से जवाब दे पाएगा। आपको फिल्म जंजीर के बारे में तो जरूर याद होगा। ये फिल्म अमिताभ बच्चन के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। कहा जाता है ये फिल्म राजकुमार साहब ने सिर्फ इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि उन्हें फिल्म की कहानी सुनाने आए फिल्म निर्माता प्रकाश मेहरा के सिर से आ रही सरसों के तेल की महक अच्छी नहीं लग रही थी। राजकुमार जितनी बेहतरीन कलाकारी के लिए जाने जाते थे, उनकी उतनी ही चर्चा अपने साथी कलाकारों का मजाक बनाने को लेकर भी होती थी। अक्सर उनके बिंदास बोल बड़े से बड़े कलाकारों के लिए मुसीबत खड़ी कर देते थे। उनकी इसी आदत की वजह से कई बार फिल्मी सितारे उनसे नाराज भी हो जाते थे। इनमें धर्मेंद्र, जीनत अमान और अमिताभ बच्चन का नाम भी शामिल है, जो राजकुमार की बेबाकी का शिकार हुए थे। बताया जाता है कि एक बार जब राजकुमार एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन से एक पार्टी में मिले तो सब उनके महंगे विदेशी सूट की चर्चा कर रहे थे। ऐसे में कुमार साहब ने भी अमिताभ के सूट की तारीफ की। तब अमिताभ बच्चन ने खुश होकर उन्हें उस जगह का पता बताना चाहा, तो राजकुमार साहब ने जवाब दिया कि उन्हें कुछ पर्दे सिलवाने थे। ये बात सुनकर बिग बी मुस्कुराने के सिवाय और कुछ न कर सके। साल 1978 में आई फिल्म कर्मयोगी में उन्होंने अदाकारी के नए आयाम सेट कर दिए थे। फिल्म में उन्होंने डबल रोल किया जो यादगार बन गया। इसके बाद 1980 में आई फिल्म बुलंदी में वो चरित्र अभिनय करते नजर आए और 1981 में एक बार फिर दिलीप साहब के साथ फिल्म सौदागर में नजर आए। अभिनय की दुनिया में इन दोनों महारथियों का टकराव देखने लायक था। फिल्म में राजकुमार दिलीप साहब से कहते हैं, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। 90 के दशक में राजकुमार साहब ने फिल्मों में काम करना काफी कम कर दिया था, फिर भी जो गिनी चुनी फिल्में की वो यादगार थी, जैसे तिरंगा, पुलिस और मुजरिम, इंसानियत के देवता, बेताज बादशाह। फिल्म तिरंगा में राजकुमार का एक एक डायलॉग और उनकी एंट्री के वक्त जूतों की थाप सिनेमा घरों में दर्शकों को सीट से उछलकर सीटी मारने को मजबूर कर देती थी। कुमार साहब कहते थे, हिंदुस्तान का खात्मा तो सदियों से कोई न कर सका, रही हमें मारने की बात तो हिंदुस्तान में शेर बचे ही कितने हैं, उन्हें तो हुकूमत भी मारने की इजाजत नहीं देती। अब साल 1989 का एक किस्सा आपको बताते हैं जिसका जिक्र आज भी बॉलीवुड गलियारों में होता है। उस साल फिल्म मैंने प्यार किया रिलीज हुई थी, जिसने सलमान खान को रातों रात स्टार बना दिया था। फिल्म के निर्माता निर्देशक सूरज बड़जात्या ने फिल्म की सक्सेस पार्टी रखी तो पूरे बॉलीवुड को बुलाया। पार्टी में कुमार साहब भी पहुंचे तो उन्होंने नए हीरो से मिलने की इच्छा जताई। अब अगर रिपोर्ट्स की माने तो जब सूरज बड़जात्या सलमान को राजकुमार से मिलवाने ले गए तो सलमान की एक गुस्ताखी से राजकुमार को गुस्सा आ गया। सलमान ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? अब क्योंकि वो इतने बड़े स्टार को नहीं पहचानते थे तो उनको सही जवाब देना भी जरूरी था, लिहाजा सलमान के इस सवाल पर उनकी बोलती बंद कराते हुए राजकुमार साहब बोले, बेटा जाकर अपने अब्बा से पूछो कि हम कौन हैं।
इसके बाद सलमान भी उनके दीवाने हो गए और फिर कभी उनसे पंगा नहीं लिया। राजकुमार की जिस आवाज की पूरी दुनिया दीवानी थी, आगे चलकर अपनी उसी आवाज को सुनने के लिए खुद कुमार साहब भी तरस जाते थे। इसे बदकिस्मती नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे कि राजकुमार को अपने आखिरी समय में अपनी आवाज से ही जूझना पड़ा था। 90 के दशक की शुरुआत से ही कुमार साहब गले के दर्द से जूझ रहे थे। वो दर्द इतना भयावह था कि उनका बोलना ही दुश्वार हो गया था। जो आवाज उनकी पहचान थी, अब वही आवाज उनका साथ छोड़ रही थी। इलाज के दौरान जब कुमार साहब की बीमारी डॉक्टर्स की पकड़ में आई तो वो उन्हें बताने का साहस तक नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर्स को हिचकिचाते देख कुमार साहब ने वजह पूछी तो डॉक्टर्स ने बताया कि आपको गले का कैंसर है। इस पर वो मुस्कुराते हुए अपने ही अंदाज में बोले, डॉक्टर, राजकुमार को छोटी मोटी बीमारी हो भी नहीं सकती। इसके बाद से वो अक्सर अकेले रहने लगे थे। शायद वो समझ चुके थे कि मौत उनके बेहद करीब है। एक बार उन्होंने अपने बेटे पुरु राजकुमार को अपने पास बुलाया और कहा, मौत और जिंदगी इंसान का पर्सनल मैटर होता है। मेरी मौत के बारे में मेरे दोस्त चेतन आनंद के अलावा किसी को ना बताना और मेरा अंतिम संस्कार करने के बाद ही इंडस्ट्री वालों को इसकी खबर करना। दरअसल वो नहीं चाहते थे कि फिल्म जगत के लोग उन्हें इस हाल में देखें और सिंपथी दिखाएं। अपने दमदार अभिनय से करीब 4 दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले महान अभिनेता राजकुमार ने 60 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और 3 जुलाई 1996 को 70 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन वो अपने आखिरी समय तक अपनी शर्तों पर जिए। फिल्में की तो अपनी पसंद से की, फिल्में चले ना चले कभी परवाह नहीं की। फिल्म फ्लॉप भी हो जाती थी तो वो अपने अंदाज में कहते थे, राजकुमार फेल नहीं होते, फेल तो फिल्में होती हैं। फिल्मी दुनिया के सरताज राजकुमार ताउम्र राजकुमार की तरह जिए और राजकुमार की तरह ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो फिलहाल आज के इस सीरीज में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।